दोस्तों वैसे तो ये वीडियो मुझे काफी पहले लेके आ जाना चाहिए था, लेकिन श्री सोनम वांगचुक जी के इस वीडियो के बाद अब और इंतजार नहीं। इनफैक्ट मैं इस वीडियो में आपको चाइना की सोच का वो नजरिया दिखाऊंगा जिसे हम सब नजरअंदाज कर रहे हैं, वो असलियत बताऊंगा जिसके बारे में कभी ना कभी हमने सुना जरूर है लेकिन काश समय रहते ध्यान भी दिया होता कि आखिर क्यों और कैसे चाइना भारत के दरवाजे तक पहुंच गया और अब जबरदस्ती इस दरवाजे को तोड़कर हमारे घरों के अंदर घुसने की हिम्मत कर रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना समय व्यर्थ करते हुए दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक जी और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय पर जनसंख्या के लिहाज से दुनिया के दो सबसे बड़े देश हिमालय की पहाड़ियों पर जंग की स्थिति में एक दूसरे के सामने सीना तान कर खड़े हो गए हैं। वैसे इंडिया के जर्नलिज्म लेवल को देखते हुए मीडिया की बातों को सीरियस लेना बनता तो नहीं है, लेकिन लेटेस्ट न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो हजारों चीनी सैनिक लद्दाख की गलवान वैली में घुस चुके हैं। इन सैनिकों ने वहां पर टेंट गाड़ ली हैं, खाइयां खोद ली हैं और कई भारी भरकम इक्विपमेंट्स भारतीय सरजमीन पर लाकर खड़े कर दिए हैं। लेकिन असलियत में अभी तक किसी मीडिया रिपोर्ट ने ये नहीं बताया है कि ये सब इंडियन टेरिटरी के इस पार हुआ है या उस पार। लेकिन 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 इन सब का कारण है भारत ने अपने देश में लद्दाख में गलवान एरिया में चीनी सीमा के पास रोड कंस्ट्रक्शन यानी कि सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। अब वैसे तो देश के कई इलाकों में लोग आज भी अपने गांव खेड़ों में सड़क के बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन सड़क बननी शुरू हुई LSE के पास। चलिए देश की सिक्योरिटी के लिहाज से वो भी काफी जरूरी है, इसलिए गलवान नाले के पास इंडियन पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास आर्मी एक ब्रिज का निर्माण कर रही है और चाइना ने इसी पर आपत्ति जताई है। लेकिन इस समय ये सब जो LSE पर हो रहा है ये सब कहानी तो न्यूज चैनल वाले बता ही देंगे। मैं चीन की असली स्ट्रेटजी उसकी सोच का वो नमूना पेश करता हूँ जिसे इंटरनेशनल मीडिया काफी टाइम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो फर्स्ट वन, वेल चीन एक देश नहीं बल्कि एक जबरदस्ती की रियल एस्टेट कंपनी है। जी हाँ, चीन दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो आज भी दूसरों की जमीन पर कब्जा करने को अपना अधिकार समझता है। चाइना ने सालों से हांगकांग पर अपना वन कंट्री टू सिस्टम वाला अपना अलग ही सिद्धांत थोप रखा है। पिछले कई महीनों से हांगकांग चीन के साथ अपने इस डेमोक्रेटिक फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ रहा है। लगातार वहां की जनता सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रही है और अब इस प्रोटेस्ट को जड़ से खत्म करने के लिए चीन की नेशनल पीपल कांग्रेस ने एक नया प्रस्ताव, एक नया नेशनल सिक्योरिटी लॉ लाने की तैयारी कर ली है जिसका लक्ष्य है राजद्रोह जैसी गतिविधियों पर बैन लगाना जो कि हांगकांग के संविधान का उल्लंघन है। लेकिन इसका इंडिया से क्या लेना देना है? वेल, आप में से कितने लोग हैं जो अक्साई चीन के बारे में जानते हैं? अक्साई चीन इंडिया के हिसाब से लद्दाख का अंदरूनी और चाइना के हिसाब से लद्दाख से अलग एक दूर दराज इलाका है जो वैसे तो दशकों से बेजान और बंजर पड़ा था और उस पर कभी किसी की नजर नहीं गई। लेकिन 1950 में चीन ने तिब्बत और शिनजियांग को आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पर सड़क का निर्माण शुरू कर दिया जिसका भारत ने विरोध किया था और इसी ने जन्म दिया था 1962 के भारत और चीन युद्ध को। और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप करीब 38,000 किलोमीटर लंबा इलाका चीन के हिस्से में चला गया और आज भी वो इलाका दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी यानी कि चीन के पास है। और जो इलाका बच गया उसके लिए दोनों देश आज भी लड़ रहे हैं। लेकिन अब टाइमिंग देखिए, अभी कुछ दिन पहले इंडिया टुडे ग्रुप ने एक मैप जारी किया जो 19वीं और 20वीं सदी के बीच का बताया जा रहा है और उस मैप के मुताबिक अक्साई चीन लद्दाख का ही हिस्सा है। मतलब इंडिया की दलील सही है। तो क्या चाइना अक्साई चीन से अपनी सेना को पीछे हटाएगा? ना 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 ना, ये दुनिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट कंपनी के नाक का सवाल है जिसकी कोई सुनवाई नहीं है। और उसी के साथ आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि क्या आज की तारीख में भारत और चीन का युद्ध होगा? क्या 1962 दोहराया जा सकता है? दोहराया जाना चाहिए तो नहीं, लेकिन क्या दोहराया जा सकता है? वेल, लेट्स फाइंड आउट। वेल, इंडिया और चीन के बॉर्डर पर आखिरी गोली 1975 में चली थी जहां पर मौत एक भारतीय सोल्जर की हुई थी। उसके बाद अगर कुछ चले हैं तो वो हैं पत्थर जिन्होंने 2017 में न्यू दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक काफी सुर्खियां बटोरी थी। अब आज की तारीख में अगर युद्ध होता है तो वो सिर्फ इन दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगा क्योंकि ये देश कोई छोटे मोटे देश नहीं है। दुनिया के 30% से भी ज्यादा पॉपुलेशन इन्हीं देशों में रहती है। इंडिया और चाइना ये दोनों देश सिर्फ दुनिया के लिए एक बाजार नहीं है बल्कि दुनिया के कई बड़े देशों से इनके दशकों पुराने रिश्ते हैं जो युद्ध की स्थिति में इंडिया या चीन दोनों में से किसी एक साइड जरूर लेंगे। जैसे अमेरिका, रूस, इजराइल, जापान आज की तारीख में देश इंडिया या चाइना में से किसकी साइड लेंगे ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कम से कम आज के सिनेरियो के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। और इन सब के अलावा एक बहुत ही ताकतवर देश है जो किसकी साइड होगा उस समय पर इसकी टेंशन उसी को होगी जिसकी साइड वो होगा। तो आज की तारीख में World War III जैसी सिचुएशन आने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर एक मुद्दा है जिसकी बात करना बहुत जरूरी हो गया है और वो मुद्दा भारत की सरकार से ज्यादा भारत की जनता के हाथ में है। वो मुद्दा है चाइनीज माल के लिए भारतीय ग्राहक। इंडिया चाइना से काफी मात्रा में सामान इंपोर्ट करता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी से लेकर ऑटो कंपोनेंट तक इंक्लूडेड है जिसमें हम फिलहाल के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर कोई ऑप्शन है तो वो है यहाँ पर जो मिस्टर सोनम वांगचुक जी ने कहा था। सो मैं अपने तरीके से कहना चाहूंगा कि इफ नॉट हार्डवेयर देन गो फॉर सॉफ्टवेयर। शेयरिट से लेकर UC ब्राउजर तक
सबके अल्टरनेट और बेहतरीन ऑप्शंस आज की तारीख में गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल हैं। अब मैं वो एजेंडा नहीं फैलाऊंगा कि प्ले स्टोर पर जाओ और टिकटॉक की रेटिंग डाउन कर दो, क्योंकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ना अभी पड़ा है ना फ्यूचर में पड़ेगा। लेकिन किसी भी चाइनीज ऐप को यूज करना या ना करना हमारे हाथ में है, आपके हाथ में है। आप कभी यूसी ब्राउजर या शेरिट को खोल कर ही देख लो, गलती से अपने पेरेंट्स या बच्चों के सामने ओपन किया तो वैसे ही शर्म से पानी पानी हो जाओगे। यही नहीं, सिक्योरिटी भी एक बड़ा कारण है इन ऐप्स को अपने फोन में जगह ना देने। तो सजेशन बेशक मेरा है, लेकिन डिसीजन आप लोगों का है, क्योंकि हो सकता है कि बॉर्डर की इस धक्का मुक्की को रोकने का असली रिमोट आपके हाथों में हो। तो आप सब कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक वरना डिसलाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे फिर, जय हिंद।